माई चैनल, दिस इज़ रितिका शर्मा और आज की हमारी वीडियो है कि हम अपने लिप्स को डार्कनिंग से कैसे बचा सकते हैं और इसको और भी ज़्यादा ग्लोसी, पिंकिश और प्लम्पी कैसे बना सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहला स्टेप क्या रहने वाला हमारा कि जो हम वैसलिन पेट्रोलियम जेली होती है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अपने लिप्स पे लगा लेना है। ठीक है, दोनों लिप्स पे, अपर और लोअर लिप दोनों पे वैसलिन लिप बाम लगा लेनी है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसा ब्रश लेंगे, ठीक है, और इस ब्रश से हल्के हाथों से रब करेंगे। ठीक है, अपना जो सुबह मॉर्निंग में आप या रात के टाइम पे ब्रश करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे ऐसा ब्रश यूज़ करते हैं ना आप लोग, ठीक है, तो उसी टाइम पे जब आप ब्रशिंग अपने टीथ की कर रहे होते हैं, आप हल्के हाथों से अपने लिप्स के ऊपर भी, वैसे ही कॉलगेट से आप अपने लिप्स के ऊपर भी हल्की हल्की स्क्रबिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर हमारे लिप्स डार्कन्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने उसको ठीक कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने ले लेनी है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक लेने के बाद उसमें हमने ऐड किया एलोवेरा जेल। ठीक है, टर्मरिक तो सभी के पास अवेलेबल होगी और मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। ठीक है, और रोज़ वाटर की हमने अबाउट 3 to 4 ड्रॉप्स हमने इसकी ऐड कर देनी है। उसको ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देन हम क्या करेंगे, अपनी लिप्स के ऊपर लगा लेना है। ठीक है, आप चाहे तो अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्यूटिप से क्या होगा कि आपके एक तो हाथ ख़राब नहीं होंगे, आपके नेल्स के अंदर हल्दी नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि हल्दी का कलर रह जाता है। ठीक है, और ऐसे हमने लगा लेनी है। ठीक है, अब इसको हम बात करेंगे कि हमने ये तीन चीज़ें मिक्स क्यों की, रोज़ वाटर पिंकिश ग्लो करने के लिए, ठीक है, एलोवेरा आपको प्लम्पी देने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए आपके लिप्स को। ठीक है, और टर्मरिक, टर्मरिक की क्या बात करेंगे कि ये एक तरह का, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो अगर आपके डार्कन्ड हुए हैं लिप्स, ठीक है, तो वो उसको अच्छी तरह से जो डेड सेल होंगे उनके, क्योंकि उस स्किन तो अंदर है ही पिंकिश, ठीक है, तो उसको पिंकिश लुक देंगे। ठीक है, हमने लगा लेनी है ये। क्या रहेगा कि हमने जॉनसन बेबी ऑयल लेना है। ठीक है, कोई भी ऑयल ले सकते हो, बेबी ऑयल अच्छा होता है हमारी, इसमें वाइटनिंग नहीं है। ठीक है, और क्या है कि ये अच्छा है हमारी स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और या आप जॉनसन ऑयल लें, ठीक है, या फिर आप कोकोनट ऑयल लें। कोकोनट ऑयल में भी बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके वो जो लिप्स हैं उनको दोबारा से वैसे ही लुक देगा जैसे आपके पहले पिंकिश थे। ठीक है, सो डैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। ठीक है, और आपको कितनी जल्दी से इसके रिजल्ट मिल गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज़।